A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. Myself Vinay Pandey, students BSc third year यानी कि fifth sem की partial differentiation की series में हमने जो इसके previous videos थे, previous lectures थे, उसमें हमने partial differentiation के बारे में पढ़ा, हमने maxima minima पढ़ा, हमने continuity और limits निकालना देखा कि अगर function जो है several variables के हैं तो उस case में limit क्या होती है, कैसे find की जाती है और कैसे कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन में चेक की जाती है अगर वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के केस का फंक्शन हो. तो आज का जो नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, वो सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं. फंक्शन की कंटिन्यूटी और लिमिट्स निकालना हमने देखी है. अब हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर दो वेरिएबल का है तो उस फंक्शन को कैसे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे और कैसे फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे. अभी तक हमने डायरेक्टली निकाले थे, तो अब हम जो डिफरेंशिएबिलिटी पार्शियल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं वो हम फॉर्मूले से चेक करेंगे. अगर आपको कोई भी फंक्शन एफ दिया हुआ है, एक्स और वाई का फंक्शन है, इसको अगर आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो उसका मीनिंग क्या था कि फंक्शन में जो अदर वेरिएबल x के अलावा है वो सारे कांस्टेंट माने जाते थे. तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आपको इस फंक्शन की जो लिमिट है f x y, इसका जो लिमिटिंग पॉइंट है अगर वो पॉइंट a कॉमा b है और इस a पॉइंट a कॉमा b यानी कि x की वैल्यू a की ओर टेंड हो रही है, y की वैल्यू b की ओर टेंड हो रही है, इस केस में अगर फंक्शन की लिमिट निकालनी थी तो हमने देखा था लिमिट कैसे फाइंड की जाती है, कितने टाइप्स की लिमिट होती हैं, इटरेटेड, साइमल्टेनियस, वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं. तो अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए कॉमा बी पर निकालना है और यानी कि एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब चेंज किस में होगा, सिर्फ एक्स में, और एक्स में चेंज होगा तो आप यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच. एच क्यों लिखा, एच किस में चेंज है, ए में, और ए किसकी वैल्यू है, एक्स की, यानी कि अगर आप एक्स की वैल्यू में चेंज देख रहे हैं तो इसका मतलब आप फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि वाई की वैल्यू में आपने कोई भी चेंज नहीं लिया हुआ. तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा. और इसी तरीके से फंक्शन को अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ आ जाएगा लिमिट k टेंड्स टू जीरो. क्या चेंजेस आएंगे, अब a पॉइंट तो उसी तरीके से रहेगा, b में चेंज आएगा b प्लस k माइनस f ए बी अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा k. ये k b यानी कि y के चेंजेस के रिस्पेक्ट में है, x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब f का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में. पॉइंट चेंज करके सपोज 2.3 है तो यहाँ आ जाएगा ए और बी की जगह पे कितना आ जाएगा 2.3. तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि ये फॉर्मूले हमको किस तरीके से अप्लाई करते हैं. देखिए पहला न्यूमेरिकल जो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे, 1.2 पे. तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट 1.2 का फॉर्मूला, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए ए की जगह पे कितना है 1 प्लस एच कॉमा 2 माइनस एफ 1.2 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स की जगह पे फंक्शन में 1 प्लस एच रखना है, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच वाई की जगह पे y की जगह पे आपको क्या रखना है 2 प्लस 2 y की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस f 1.2 यानी कि x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 2 इंटू 2 स्क्वायर और अपॉन में कितना हो गया h. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस बी का होल स्क्वायर लाएंगे तो 1 प्लस, मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई भी कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होकर 2 एच स्क्वायर प्लस 2 ए बी में आ जाएगा 4 एच.
माइनस टू माइनस टू एच और प्लस एट, ये कितना हो जाएगा, माइनस का टू और प्लस का टू और माइनस का एट और अपॉन में हो जाएगा एच। देखते कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं इसमें, टू से टू कैंसिल, एट से एट कैंसिल हो गया, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल। अब आप देखो जितने भी टर्म्स बच रहे हैं उसमें सब में एच आ रहा है, एच कॉमन लेकर के अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ का एच पूरा कैंसिल आउट, ये एच कैंसिल आउट और एक एच यहाँ बचेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, पहला टर्म टू एच, सेकेंड टर्म फोर और एक बच रहा है माइनस का टू। लिमिट अगर जीरो लगाएंगे तो ये वाला टर्म हट जाएगा, जीरो हो जाएगा और फोर माइनस टू क्या हो जाएगा, टू। यानी कि इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं किस पॉइंट पे, वन कॉमा टू पे, तो उस पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी आ रही है टू। ये हो गया प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हो जाएगा फोर एक्स, एक्स वाई का क्या होगा, वाई कॉन्स्टेंट होगा तो माइनस वाई और लास्ट वाले टर्म का जीरो, और इसमें आप एक्स और वाई की जगह पर वन कॉमा टू रखिए और सॉल्व करके आपको आंसर क्या मिलेगा, टू। ये डायरेक्ट मेथड हो गई जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले पढ़ चुके हैं और ये है फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने इलेवेंथ में भी पढ़ा हुआ था, उस प्रिंसिपल से हमने इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला है किस पॉइंट पे, वन कॉमा टू पे। इसी तरीके से हमको इसी फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी निकालना है, तो चेंजेस क्या क्या आएंगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेल एम अपॉन डेल वाई वन कॉमा टू पे, तो लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ वन कॉमा टू प्लस के माइनस एफ वन कॉमा टू अपॉन में क्या आ जाएगा के, लिमिट के टेंड्स टू जीरो एक्स की जगह पे वन और वाई की जगह पे टू प्लस के, तो टू वन का स्क्वायर करेंगे तो टू रहेगा, माइनस एक्स इंटू वाई टू प्लस के रहेगा और प्लस टू वाई के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा टू प्लस के का होल स्क्वायर। एफ वन कॉमा टू में उसी तरीके से जैसे रखा था, वन को वन इंटू सॉरी टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर अपॉन के, लिमिट के टेंड्स टू जीरो टू माइनस टू माइनस सॉरी इस एच की जगह पे के आएगा, टू माइनस के प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, फोर टू जो एट प्लस टू टू जो फोर टू जो एट के प्लस टू के स्क्वायर माइनस टू प्लस टू एंड माइनस एट अपॉन के, टू एंड टू कैंसिल आउट, एट एंड एट कैंसिल आउट, टू एंड माइनस टू कैंसिल आउट। इसी तरीके से लिमिट के टेंड्स टू जीरो माइनस के प्लस एट के प्लस टू के स्क्वायर, के कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट के टेंड्स टू जीरो यहाँ बचेगा माइनस वन, यहाँ बचेगा एट और यहाँ बचेगा टू के, लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म जीरो, माइनस वन प्लस एट कितना हो जाएगा सेवन। तो ये एफ का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इस वन कॉमा टू पे पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू सेवन आ रही है और एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हमने किया था उसकी वैल्यू आ रही थी टू। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, इस फंक्शन को आपको प्रूव करना है कि अगर ये एक्स और वाई अनइक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, एक्स और वाई अगर इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। आपको प्रूव करना है कि एफ जो है डिसकंटिन्यूअस है एट द ओरिजिन, यानी कि जीरो कॉमा जीरो पे इसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, बट द पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट द ओरिजिन, यानी कि दो पार्ट है इसमें, आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा जीरो कॉमा जीरो पे, और दूसरा कि जीरो कॉमा जीरो पे इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर हम बात करें फंक्शन की कंटिन्यूटी की, तो पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दो वेरिएबल्स का दिया है और अगर आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो फंक्शन की अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी उस साइमल्टेनियस लिमिट के इक्वल अगर आ रही थी तो हमने फंक्शन को कंटिन्यूस बोला। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट अगर फंक्शन के उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आती है तो उस फंक्शन को हमने कंटिन्यूस कहा था। तो चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी जीरो कॉमा जीरो पे, और कंटिन्यूटी साइमल्टेनियस लिमिट के काफ़ी न्यूमेरिकल्स में पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूँ, वो
जो वीडियोस हमने देखे थे उस लेक्चर में, मैंने आपको ये न्यूमेरिकल भी वहाँ पहले कराया हुआ था, तो हम इसमें साइमल्टेनियस लिमिट की वैल्यू चेक करने के लिए हम अलग अलग पाथ सेलेक्ट करते थे। अगर पाथ सेलेक्ट करने के बाद वो वैल्यू अगर एम पे डिपेंडेंट आती थी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसके साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चेक करते हैं, टेकिंग द पाथ y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब टूवर्ड्स 0,0। ये y में अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है, ओरिजिन यानी कि 0,0। अब क्योंकि y को हमने x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और x की जगह पे एक्स क्यूब एक्स ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एम एक्स क्यूब का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, कैंसिल आउट। अब आप यहां देखें तो ये आ रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एम एक्स क्यूब होल क्यूब अपॉन एम एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक्स क्यूब इनसे अगर हम एक्स कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से तो बाहर आकर के एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस एम यहाँ से एक एक्स कॉमन लिया तो अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा, और होल क्यूब अपॉन एम एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल आउट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन में कितना बच रहा है एम, यानी कि 2 अपॉन एम। और इसका मतलब यह है कि जो इसकी लिमिट है वो एम पे डिपेंडेंट आ रही है, और ये हमने पहले भी देखा था कि अगर एम पे डिपेंडेंट आ रही है तो इसका मतलब साइमल्टेनियस लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और साइमल्टेनियस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन मीन्स 0,0, यानी कि फंक्शन जो है 0,0 पे कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। तो अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया कैसे हमको फॉर्मूला लगाना है, किस पॉइंट पर निकालना है, 0,0 पे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए और बी दोनों के यहाँ 0,0, 0 प्लस h,0 माइनस f,0,0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(h,0) फंक्शन में x की जगह पे h रखना है, y की जगह पे 0 रखना है, तो अपॉन में h ये दोनों 0 हो गए, माइनस f(0,0) f(0,0) कितना हो जाएगा 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच, एक एच से एच कैंसिल हो गया, एक एच और बचेगा, लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पॉइंट पे, 0,0 पे। फॉर्मूला क्या था, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ 0,0 प्लस के माइनस f(0,0) अपॉन के, लिमिट के टेंड्स टू 0 इसके जगह पे क्या आ जाएगा, अब एक्स की जगह पे 0 रखना है और वाई की जगह पे के, तो के क्यूब अपॉन माइनस के हो जाएगा, और यहाँ 0 अपॉन के, 2 के स्क्वायर यहाँ कैंसिल होंगे तो 1 के और बचेगा, और उसमें लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है और वाई के रिस्पेक्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो एक रिजल्ट हमको यहाँ से मिल रहा है, आपने 12th में पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, और अगर कोई फंक्शन, वहां जो हमने पढ़ा था वो था कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता था तो डिफरेंशियबल तो वो होता ही नहीं था फंक्शन। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था तो डिफरेंशियबिलिटी उसकी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये आपने पहले देखा था। लेकिन यहाँ हमने इस न्यूमेरिकल में क्या देखा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तब भी उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो हमने इस न्यूमेरिकल में देखा कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था लेकिन डेरिवेटिव्स उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको अभी कराए पार्शियल डेरिवेटिव्स के, उन्हीं न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपको फंक्शन का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है 0,0 पे। तो ये एफ एक्स वाई फंक्शन आपको दिया हुआ है, और इस केस में एफ एक्स वाई आपको ये दिया हुआ है, और 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है।
तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है किस पॉइंट पे, 0 0 पे आपको फॉर्मूला जो डेफिनेशन थी उसका यूज करना है। तो इसमें मैंने आंसर मेंशन किए हुए हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 आ रहा है, और यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके जो दोनों आंसर्स है वो 0 आ रहे हैं। तो आपको उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स का, ए कॉमा बी की जगह पे दोनों केसेस में क्या रखना है, 0 कॉमा 0। तो उसी तरीके से फॉर्मूला यूज करें, और फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको दोनों क्वेश्चंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आज के टॉपिक्स में जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के टॉपिक्स हमने स्टार्ट किए हैं उनके सीरीज में मैंने आपको आज पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना सिखाया है, किससे, डेफिनेशन का यूज करके। तो आगे हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि फंक्शन जो है अगर सेवरल वेरिएबल्स का है तो उस केस में फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है, तो वो देखेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में।